अबे यार मैं थोड़ा काम से क्या बाहर चला गया, सिंचन का कॉल आ रहा है। जब से बोला कि कोई मुझसे घर मिलने आया है, मैं जानता भी नहीं हूँ कौन मिलने आया है। चलो देखता हूँ जाके। यार बोल रहा कोई लड़की है भाई, जितना मेरे को पता है ना ही मेरी कोई लड़की रिश्तेदारी में है ना ही कोई लड़की मेरी दोस्त है। पता नहीं कौन लड़की आ गई फालतू भटकते भटकते, शायद किसी और के घर में जा रही होगी, मेरे घर में घुस गई होगी गलती से। चलो मैं जल्दी से पहुंच गया घर पर, अब जाके देखता हूँ भाई सब कौन रिश्तेदारी में आ गया फालतू में भाई, पीछे पड़ने मेरे। काम कर रहा था, काम भी नहीं कर सकता। और तुम लोग बताओ यार, मैं तो भूल ही गया, हाँ तुम लोगों से तुम्हारा हाल ही नहीं पूछा यार, अपनी प्रॉब्लम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था। तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या हाल है यार, सब मस्त है ना घर में, सब मस्त बढ़िया। हस्ते हो कहां पर सिंचन? आओ वो ऊपर आए। अब कौन लड़की है? आओ मेरे को नहीं पता यार, मेरे को पता होता तो मैं पता नहीं देता क्या तेरे को? अच्छा ये टट्टी क्यों करी तूने? आओ मैं बाहर जाने वाला था पर जैसी घर से निकला तो निकल गई। मतलब तेरे को बोल रखा है ना, आओ सुमित मैंने कंट्रोल किया था, बाहर जाने की कोशिश की थी पर गया नहीं मैं। चल ठीक है कोई बात नहीं। चलो यार यहाँ पर तो नहीं है शायद, वो उस साइड खड़ी होगी बालकनी में खड़ी होगी, पता मैं भी लड़की की बात कर रहा हूँ, मतलब सिंचन खड़ा होगा, देखते हैं भाई सब। ओए सिंचन, अबे यहाँ पर भी नहीं है, टीवी भी नहीं देख रहे हैं, उस साइड जाके देखता हूँ। सिंचन अरे समय पे इधर आओ जल्दी से। आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। हाँ बोल क्या हो गया? अरे समय पे तुम इतने झूठे, इतने मक्कार, तुमने कभी मुझे बताया भी नहीं। क्या नहीं बताया? और कौन यही लड़की है क्या? हाँ समित भैया। हाँ मैडम जी, कौन है आप, क्यों आई है मेरे घर के अंदर? अरे कैसे देखो बोला तुम सिंचन में ऐसे करेगा ये? हाँ तुम सही कह रही थी। क्या क्या कैसे क्या कर रहा हूँ मैं? अरे तुम मुझे जानते तो हो। मैं नहीं जानता इसे सिंचन, ये झूठ बोल रही है। अरे समित भैया ऐसे क्यों कर रहे हो यार, उसने बता दिया कि तुम मुझसे छुपाना चाहते थे ये सब। क्या छुपाना चाहता था मैं तुझसे, क्यों छुपाना चाहूंगा? देखो सिंचन मुझे कैसे धोखा दे रहा है ये, मेरे साथ इतने सालों से रह रहा है और तुमसे छुपा रहा कि मैं इससे जानती नहीं हूँ, देखो कैसे झूठ बोल रहा है। अरे हाँ ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हो समित भैया, वो इतनी अच्छी तो लड़की है, तुम भाभी जी को घर पर नहीं लाना चाहते, मुझसे नहीं मिलाना चाहते। हाँ सिंचन ये मुझे तुमसे मिलाना नहीं चाहता है, इसलिए हमेशा तुम्हें धोखे में रखा, झूठ बोला कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे सिंचन ये झूठ बोल रही है। अरे समित भैया इतनी अच्छी सुंदर शौरी झूठ कैसे बोलेगी, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, मैं समित भैया को समझा दूंगा, आप हमारे साथ ही रहोगी, बस आप कहीं भी मत जाना हमें छोड़ के। हाँ सिंचन मैं यहीं पर ही रहूंगी बिल्कुल तुम्हारे पास। अब ओ सिंचन रुक रुक था, वो तेरे को पागल बना रही, तू पागल बन रहा है। अरे समित भैया पागल तो तुमने मुझे बनाया इतनी सालों से, बोले कि कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओए सुन लड़की तू जो भी है मैं तुझे जानता नहीं हूँ, नहीं मेरे साथ तेरा कोई लेना देना है, अब तू यहाँ से चुपचाप चली जा, तेरा बहुत हो गया है। देखो सिंचन अब भी नहीं मान रहा, धक्का दे रहा मेरे को घर से निकाल रहे। अरे से मेरे बेटे में शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, 2 रुपए की ऐसे कर रहे हो बदतमीजी से। अबे सिंचन मैं नहीं जानता उसे सही में, वो झूठ बोल रही है। देखो अब भी कैसे झूठ बोले जा रहे। एक सेकंड मुझे पता है सिंचन को तूने कुछ ना कुछ तो सिखा दिया है, सिंचन तेरे बकावे में आ गया, पर कोई बात नहीं मैं पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ, पुलिस तेरी बकावे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अरे देखो सिंचन पुलिस को फोन मिला रही है। अरे मिलाने दो ना पुलिस को फोन, मैं कौन सा पुलिस से डरता हूँ, आ जाने दो पुलिस को। हेलो पुलिस स्टेशन, अरे यहाँ पर आओ, कोई अजीब सी लड़की मेरे घर में घुसी आई है। आते सर थोड़ी देर में। हाँ जल्दी आओ ये पागल सी, अभी रुक जा पुलिस आ रही है, जब तेरे को बताता हूँ, फालतू मेरे घर में कब्जा कर रही है, फालतू जानता नहीं पहचानती आ गई फालतू में कहीं से। हाँ बताओ सर, आपने फोन मिलाया था ना, बताओ क्या हो गया, किस लिए फोन करके बुलाया? और अरे सर एक्चुअली ये लड़की है, ये मेरे घर में घुस गई है और मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ, और मेरे भाई को ये पागल बना रही है। हाँ मैडम जी ये सच है क्या? अरे नहीं मैं इनको जानती हूँ, ये अपना रिलेशनशिप छुपाना चाहते हैं। क्या ये सच बोल रही है? अबे नहीं बोल रही सच, वो झूठ बोल रही है भाई। हाँ बच्चे से बताइए फिर। अरे बोल रही हूँ ना मैं उसे जानती हूँ। अरे ये सुमित भैया झूठ बोल रहे हैं, सुमित भैया इन्हें जानते हैं, सुमित भैया की गर्लफ्रेंड है और सुमित भैया झूठ बोल रहे हैं, सुमित भैया ने इनका मजा लिया है बस। क्या ये सच है? अरे मैं कहती हूँ उस कालवे को डाल दो जेल में ठा के। अरे सर मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया कि आप मेरी हेल्प करो, बल्कि आप मुझे उल्टा जेल में ठा के डालने की बात कर रहे हो। अरे गलती तूने की है ना, इतनी सुंदर लड़की फालतू थेड़ी तेरी चेप होएगी। हाँ वही तो सर, आप समझ गए मैं कोई इतनी सुंदर लड़की फालतू किसी की चेप थोड़ी होंगी, मैं तो इनको जानती हूँ ना। सॉरी मैडम जी आपको परेशान करने के लिए। हाँ ठीक शुक्रिया सर। सिंचन तुम मुझे कह रहे थे ना कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पर है। हाँ मेरे ही नाम पर है घर। हाँ तो तुम मुझे अपनी भाभी को अपने साथ नहीं रखोगे क्या? अरे पुलिस ऑफिसर मैं यही कह रहा हूँ, सुमित भैया झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और दीदी को मैं अपने साथ रखना चाहूंगा क्योंकि ये घर मेरा है, तो दीदी मेरे साथ ही रहेगी। तो पुलिस ऑफिसर आप सुमित भैया को बोल दो कि यहाँ से चले जाए, ठीक है ना? अरे सिंचन पागल हो गया क्या तू, दिमाग सटका आ गया तेरा थोड़ा? अरे सुमित भैया पागल मैं नहीं, तुम मुझे बना रहे हो, है ना? ठीक है पुलिस ऑफिसर। हाँ टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो सुमित तुम अब यहाँ से जा सकते हो और यहाँ पर अब ये दोनों रहेंगे। शुक्रिया सर आपका। अरे सर वो आपको पागल बना रही है, वो आप पागल बन रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब?
अरे पागल, तुम मुझे बना रहे हो और उस लड़की को धोखा दे रहे हो। अरे चलो यहाँ से चलते, ये फालतू का फैमिली ड्रामा है। अरे सर, फैमिली ड्रामा नहीं है ये, लोग इनकी ऐसी तैसी लड़की कौन है? अरे ऐसे में ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? ठीक है ना भाभी जी, से मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें भी थाने में डलवा दूंगा। हाँ, ऐसे बात करोगे तो देवर जी थाने में डलवा देंगे तुम्हें। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग रहो यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। गाइस यार क्या भसड़ है यार, सुबह सुबह मैं काम कर रहा था अपना बढ़िया, और ये क्या भसड़ में घुसा दिया मेरे को। सही में यार मैं तो जा रहा हूँ होटल में भाई, मेरे को ये भसड़ नहीं देखनी। जो सुबह आऊंगा आराम से सो के, और जब तक सिंचैन को समझ में भी आ जाएगा कि ये सब बकवास है, क्योंकि वो छोरी झूठ बोल रही है यार। अपना आप सिंचैन को समझ में आ जाएगी कि झूठ बोल रही है, अभी ना तो थोड़ी देर में आ जाएगी यार समझ। ठीक है, और मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मेरा फालतू का खोपड़ा वहाँ खराब करूँ। मैं चलता हूँ भाई यहाँ से जल्दी सी। अरे चलो, काम बन गया जैसा मुझे चाहिए था। अरे कौन सा काम बन गया? अरे देवर जी, मतलब मेरा ये काम कि मेरे को इस घर में आना था और मैं फाइनली आ गई ना। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा ही घर है, कैसे भी रहो भाभी जी। हाँ हाँ, मेरा ही तो घर है, यही तो चाहती हूँ मैं। क्या भाभी जी क्या बोल रही हो? कुछ नहीं देवर जी, आप खेलिए। हाँ मैं तो खेलूंगा ही आपके साथ। अरे ये बच्चा भी कितना बदतमीज है सही में। अरे भाभी जी जा कहाँ रही हो, ये तो बता दो, आपने तो नाम भी नहीं बताया अपना अभी तक अपना। अरे नाम में क्या रखा है? अरे पीछा छोड़ ना बच्चे मेरा, मेरे को बात करनी है। अरे क्या हो गया दीदी, आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हो भाभी जी, बताओ तो एक बार। अरे वो मुझे थोड़ा सा काम है, तुम जाके खेलो, मैं पर कॉल पे बात करके आती हूँ। ओके ठीक है। अरे चलो भगा दिया कम से कम बच्चे को मैंने यहाँ से, अब बात करती हूँ जल्दी से, फोन मिलाती हूँ बॉस को। 1-4 हेलो बॉस। हाँ कर लिया का तुमने काम? अरे बॉस जैसा आपने सोचा था, वो बच्चा मेरी बातों में आ गया और मैंने उसके बड़े भाई को घर से भी निकलवा दिया है, आगे करूँ प्लान को? हाँ हाँ, जैसा मैंने बताया था वैसे ही करते जाना, रात को उस लड़के को टपका देना। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूँगी, और वो आदमी वापस तो आने वाला है नहीं, रात को बच्चा अकेला रहेगा जब मैं उसको कटक कटक कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो बॉस। हाँ रात को फिर मैं सुबह आऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा बाहर निकल चुका हूँ। अरे बॉस रात का ही प्लान था ना। अबे पर मेरे को भी तो थोड़े काम है, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। चलो बॉस कोई बात नहीं, वैसे भी इसका भाई वापस तो आने वाला है नहीं, आप चाहे सुबह आ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस घर को लूट के खा जाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है शाबाश रानी, तू तो बहुत जीनियस है रानी सैमी। अरे बॉस रानी हूँ भी तो मैं आपकी ही। हाँ तो ठीक है रानी, अब मेरे को थोड़े काम है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है बॉस, चलो अब मेरे को बस रात होने का वेट करना है, उसके बाद मैं अपना गेम रचाऊंगी, जो मैं सोच के आई हूँ मैं वो करूंगी। मैंने आखिरकार उस आदमी को घर से बाहर भी निकलवा दिया, बल्ले बल्ले। क्या यार फालतू की भसड़ हो गई। चलो यार कहाँ पर होटल? इसी वाले होटल में रुक जाता हूँ, ज्यादा दूर जाऊंगा घर से तो दिक्कत होगी, इसी होटल में रुक जाते हैं। ओके भाई भीड़ तो नहीं है ज्यादा? चलो भीड़ भी नहीं इतनी, इसी होटल में रुक जाते हैं, एक रात ही गुजारनी है, सुबह आऊंगा, सुबह तक सिंचैन का मूड भी सही हो जाएगा, उसे समझ में भी आ जाएगी जी की लड़की जो है हमारे साथ है वो असल में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो पागल बना रही है यार। आजकल के लोग कैसे कैसे भाई घर में घुस के जबरदस्ती का हक जमाते हैं यार। चलो अब यहाँ पर रूम लेता हूँ, सोच रहा हूँ 3-स्टार रूम ले लूंगा, वही बहुत रहेगा। चलो फाइनली रात हो गई, अब इसी चीज का तो मैं वेट कर रही थी, क्योंकि अब इस टाइम ना ही कोई ट्रैफिक है जो कोई बाहर से मेरे घर में आएगा, और ना ही कोई रिश्तेदार या इसका कोई दोस्त घर में आएगा, रात के 10 बज रहे हैं। अब बस मुझे जाके टपली बचानी है उस बच्चे की, और साथ में उसका पालतू कुत्ता भी यहाँ से जा चुका है रात में, क्योंकि मैंने उसको नशे वाले बिस्कुट खिला दिए थे, वो शायद कहीं पर बेहोश होके पड़ा होगा। अरे क्या ही मस्त मौसम है, क्या ही मस्त पूल है आज तो। अरे देवर जी सोए नहीं आप? अरे मेरे को अभी नींद नहीं आती, मैडम भी जो है 12 बजे तक बकवास करते हैं। अभी बताती हूँ ये ले। अरे भाभी जी ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले बच्चे ये ले। हाँ वापस खड़ा मत हो जाइयो, ये ले भाई ये ले, बोलियो मत। चलो मैंने बच्चे को आखिरकार मार डाला जैसा कि मैंने सोचा था, अब बस एक छोटा सा काम करना है, मुझे बॉस को फोन मिला के बुलाना है। हेलो बॉस, जैसा आपने बोला था मैंने वो काम कर दिया, मैंने बच्चे को मार डाला। हाँ तो तुम टेंशन मत लो, मैं सुबह वाली फ्लाइट से लॉस सैंटोस आ जाऊंगा, फिर मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ। हाँ बॉस आप आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मैं आराम से सो जाऊँ। हाँ सो जाओ, तुम्हारा ही घर है वो, मैं तुम्हें ही देने वाला था प्लान को अकॉर्डिंग। ओके बॉस, अब तो मजा आएगा, चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, यार मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, आज रात को थोड़ा लेट सोया था, 1 बजे सोया था शायद मैं, और थोड़ा लेट उठा हूँ, 8-9
9 बज रहे शायद आई थिंक अभी। हाँ चलो यार, गाड़ी भी ऑन हो गई अपनी, चलते हैं यार। मेरे को लगा नहीं था मेरी गाड़ी एक बार में ऑन हो जाएगी, क्योंकि इसकी बैटरी खराब हो रखी थी तो मैंने वो चेंज नहीं करवाई थी, पर ठीक है एक बार में ऑन हो गई। बस अब मैं एक चीज चाहता हूँ कि मैं घर जाऊँ, और अभी तक वो लड़की यहाँ से जा चुकी हो, सिंचन समझ चुका हो कि वो लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि यार झूठ पकड़ा जाता है, थोड़ी या ना थोड़ी देर में पकड़ा जाएगा, आज ना कल पकड़ा जाएगा, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। और वो लड़की झूठ बोल रही है कि भाई वो मुझे जानती है जो भी कुछ है, पर कोई बात नहीं, सिंचन ने पक्का उसको भगा दिया होगा। भाई सिंचन भी कोई ऐसे बच्चा थोड़ी है, नाम का बच्चा बस टेढ़ी खीर है सिंचन, बहुत समझ रहे हो तुम लोग भी। बस अब घर चलते हैं जल्दी से आके, और सोच रहा हूँ ब्रेड पकौड़े बनाऊंगा आज, भाई सिंचन भी खुश होगा, मैं भी खुश होकर खाऊंगा। अबे एक सेकेंड, ये किसकी गाड़ी है भाई मेरे घर के अंदर? ये मेरी गाड़ी तो नहीं है, और सिंचन को मेरे पास कोई गाड़ी नहीं दे रखी, आखिर ये किन लोगों की गाड़ी है भाई? कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा है मेरे घर में। मेरे को जितना समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भी लोग वो नीचे हैं, मैं छुपते छुपाते जाऊंगा, घर मेरा है, मुझे पता है मेरे को कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं जाना है। तो अब जल्दी से नीचे चलते और छाके देखते भाई साहब आखिर यहाँ पर चल क्या रही है, क्या बसड़ चल रही है भाई। देखता हूँ यहाँ से, अबे कोई भी नहीं यार बेडरूम के अंदर। ओए ये लोग कौन है भाई? छुप के देखता हूँ यहाँ पर, अबे ये तो सिंचन है। अबे भाई इन लोगों ने क्या कर दिया, ये इन्होंने सिंचन को मार डाला। अरे बॉस जैसा आपने बोला था, मैंने उस आदमी को निकाल दिया घर से और इस बच्चे को भी मार डाला, वैसे आप लेट हो गए। अरे तो क्या हो गया, मैं लेट हो गया तो? रानी रानी हम तेरे हैं रानी, और रानी के लिए लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बॉस जल्दी कीजिए, इससे पहले इसका भाई वापस आ जाए। अरे रानी टेंशन क्यों लेती हो, अब तो कुछ नहीं होगा, पेपर्स हमारे हाथ एक बार लग जाए फिर ये घर हमारा हो जाएगा। हाँ बॉस, बस मैंने पेपर्स ढूंढे नहीं अभी तक। कोई बात नहीं रानी, अब ढूंढ लेंगे हम पेपर्स घर के। भाई ये सब क्या है भाई, ये तो कुछ अलग ही माइंड गेम चल रहे हैं यहाँ पर। भाई सिंचन को इन लोगों ने मार डाला, भाई ये लड़की तो बहुत डेंजरस है, मेरे को लगा था सिंचन इसको अभी तक घर से निकाल देगा, पर सिंचन को जिंदगी से ही निकाल दिया भाई। इनकी ऐसी तैसी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला, इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। मेरी गन कहाँ पर है, मेरी गन कहाँ पर? गन मैंने यहीं पर रखी थी येरी। तो चलो गाइस यार मेरे पास मेरी गन आ चुकी है, अब इन लोगों को बताता हूँ इन लोगों ने मेरे भाई को मारा, एक को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा घर। भाई मैंने मेरी पूरी स्टॉक निकाल ली गन्स की, इनकी जो भसड़ बजाऊंगा बस तुम लोग देखना, इनको कुत्ते वाली मौत मारूंगा मैं। अबे रुक जा भाई साहब, कितने गुंडे थे? आई थिंक 3 या 4 थे, 3 गुंडे थे, एक लड़की है, 4 जने हैं, 4 लोगों को एक साथ मारना है मेरे को। चोप भी अभी तक घर नहीं आया यार, पता नहीं चोप कहां गया होगा। इनकी ऐसी तैसी, और ये टकले ये ले, अरे ये कौन है? तेरी ऐसी तैसी, ये गए चार चारे। अरे तू यहां क्या कर रहे? तेरी ऐसी तैसी, चुड़ैल तू ये सब कर रही है ना? अरे ये तू वापस कैसे आ गया? तुझे मैं बताता हूँ, तूने मेरे भाई को मार डाला। तेरी ऐसी ऐसी झूठी मक्कार, पुलिस के आगे झूठ बोल रही थी, मेरे भाई को बकाया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे भी मरवा दूंगी। ये ले ज्यादा बोल रही है। ओके तो गाइस यार सबको मार डाला, अब वापस खड़ी हो गई इसकी ऐसी तैसी। चोर इसके पास भी गन थी, कितनी बड़ी गन थी भाई इसके पास भी। चलो वो तो सही वक्त पे मैंने चारों को मार डाला। सिंचन 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 बात सुन मेरी। ओ नो 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 नो, लगता है भाई सही में जो मैं सोच रहा था वो रियल है, सिंचन मर चुका है। शिट मैन, मेरे को जल्दी से इसको एम्बुलेंस में लेके जाना चाहिए, शायद इसकी धड़कन अभी भी चल रही है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरे को जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। सिंचन टू टेंशन मतलब तेरा भाई आ गया है, जल्दी चलो जल्दी चलो यार, भागो 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 भागो, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, जल्दी गाड़ी के अंदर रख दिया मैंने सिंचन को, जल्दी भागो यार हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। यार क्या हो गया, ये दिमाग खराब हो रहा है मेरा, कल भी दिमाग खराब हुआ था अलग चीज के ऊपर, पर आज तो और भी ज्यादा भसड़ हो चुकी है भाई। सिंचन को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, प्लीज यार सिंचन टेंशन मतलब तेरा भाई तुझे बचा लेगा, दम मत तोड़ियो भाई बस तू। सिंचन टेंशन मतलब तेरा भाई तुझे घर पहुंचा देगा, तुझे तेरा भाई वापस लेके आएगा, सिंचन टेंशन मतलब तू। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा भाई? अरे माफ करो थोड़ा। क्या हो गया सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? अरे मैं बस बता नहीं सकता। क्या सर ऐसे मत डराइए मेरे को, प्लीज ऐसे मत डराइए सर, जो है वो साफ बोलिए सर, ऐसे मत बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें पता लग जाएगा कि तुम्हारा भाई ठीक है या जा चुका है। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं जा चुका है, मतलब आप इतना लो क्यों बोल रहे हैं? मैं पहले इतना डरा हुआ हूँ और आपकी बात सुन के मेरे को और भी ज्यादा डर लग रहा है। सर ऐसे मत बोलिए सर, प्लीज सर ऐसा मत बोलिए कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला जाएगा। अरे सर हमारे हाथ में नहीं है ऐसी चीजें बिल्कुल भी। अरे जल्दी चलता हूँ, जाके बता देता हूँ डॉक्टर साहब को। अरे यही लगता है वो आदमी, ये तो पता नहीं कौन है। अरे डॉक्टर साहब वो जो बच्चा था वो बचा नहीं। क्या नहीं बचा वो बच्चा? क्या नहीं बचा? अरे आप ही हो क्या उनके पेरेंट्स? हाँ मैं उसका भाई हूँ। सॉरी सर हम आपके भाई को बचा नहीं पाए। अरे ऐसे मत बोल टकले, मैं तेरी टांट फोड़ दूंगा। अरे सर आप कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं? बदतमीजी? मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, तुम कह रहे बदतमीजी? अरे सर आप ऐसे बदतमीजी से बात मत कीजिए प्लीज सर, मुझे पता है आपका दुख हम समझ सकते हैं। अरे घंटा मेरा दुख समझोगे तुम लोग? अरे यार चलो कब्ज की दवाई लेके आता हूँ, पेट खराब हो रखा है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे डॉक्टर साहब अरे मेरा बर्बाद हो गया सब कुछ। बताइए पंडित जी क्या चाहिए आपको? क्या चल रहा है यहाँ पर, याद में क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है, पागल हो गया क्या? मुझे नहीं जीना इस दुनिया में, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, मेरा भाई नहीं बचा।
अरे बेटे एकदम सही वक्त पे तू मिला मेरे को, चल खड़ा हो मैं तेरी मदद करूंगा। अरे सर कैसी बात कर रही, क्या मदद करोगे, उसका भाई ऑलरेडी मर चुका है, थोड़ी हम उसको जिंदा कर सकते हैं। हाँ और क्या, जिंदा थोड़ी कर सकते हैं। जी सच बोल रहे हैं, मेरा भाई जा चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, मैं बर्बाद हो गया। अरे बेटे बात तो सुन, मैं बहुत बड़ा अंतर्याम हूँ, मेरी बात तो सुन तू। हाँ बोलिए पंडित जी। अरे मैं एक बहुत बड़ा संत हूँ, मैं एक खतरनाक वाला रेम चैलेंज करवा रहा हूँ, अगर तू उस रेम चैलेंज को जीत लेता है तो तेरा भाई वापिस आ सकता है। सच में? हाँ सच में वापिस आ सकता है, बस तेरे को वो रेम चैलेंज जीतना पड़ेगा। मैं साल में दो बार कर रहा था, जो भी उसमें जीतता है वो अपने किसी भी आदमी को वापिस जिंदा कर सकता है। सेमी बाबा जी कहाँ पर होगा रेम चैलेंज? ओ ठीक है बैठ जाइयो। ओके ठीक है ठीक है। तो गाइस यार अभी हम लोग इस बाबा जी के साथ जा रहे हैं वो रेम चैलेंज करने के लिए, और बाबा जी मेरे को बोल रहे हैं अगर मैं उस रेम चैलेंज में जीत जाता हूँ तो मैं सिंचैन को वापिस जिंदा करा सकता हूँ, और इससे अच्छी चीज मैं सुन नहीं सकता यार। मतलब इतनी भाई मेरे को होप मिली है कि मैं सिंचैन को वापस ला सकता हूँ, वो भी एक रेम चैलेंज जीत के। तो भाई साहब मैं उस रेम चैलेंज को जरूर जीतूंगा, जी जान से जीतूंगा, क्योंकि मेरे को सिंचैन वापस चाहिए यार। सिंचैन मेरे को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता भाई, मैं अकेला पड़ जाऊंगा जिंदगी में यार। सिंचैन के साथ मैंने कितनी कितनी यादें हैं मेरी, मैंने क्या क्या नहीं किया सिंचैन के साथ, कितनी बकवास की, कितनी बकर पे लिया भाई, क्या क्या किया मैंने। बोला बेटे शांत हो जा, पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। वो तो तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले डू और डाई रेम चैलेंज के अंदर। अगर आज के रेम चैलेंज में तुम में से जो कोई भी जीतता है तो मैं उसके परिवार में से किसी एक को भी जिंदा कर दूंगा। अरे बाबा मेरी वाइफ को जिंदा कर दो। Hey, I am Batman. Batman. Hey, एक सेकंड, ये तो वुल्वरीन है ना, वुल्वरीन यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू मैं चाहता हूँ तू जीते, क्योंकि तुझे सबसे ज्यादा दुख है, मुझे पता है बेटे, कोई बात नहीं तू जरूर जीतेगा। ओके तो गाइस यार सबसे पहले ये मोटा जा रहा है। मेरे को मेरी वाइफ वापस चाहिए। एक सेकंड, तेरी वाइफ के साथ हुआ क्या ये तो बताएगा। मेरी वाइफ मर गई। मर गई मतलब? मेरी वाइफ मेरे लिए मर गई। मतलब समझ नहीं आया, तेरे लिए मर गई मतलब? मुझे छोड़ के चली गई। तो तेरे अब मरी थोड़ी, वो जिंदा है ना। पर मेरे लिए तो मर गई ना। अबे यार एक ऐसा घंटोली आदमी है यार, तेरी वाइफ मरी नहीं है, वो सिर्फ तुझे छोड़ के गई है। अबे मेरे लिए मर गई ना, वही तो सेम चीज है, मुझे छोड़ के चली गई मतलब मेरे लिए मर गई। अबे यार ऐसे थोड़ी होता है यार, कैसे लोग है भाई घंटोली घंटोली इस दुनिया के अंदर भाई। मुझे ये रैप चैलेंज जीत के मेरे को वाइफ को वापस पाना है। बाबा जी ये थोड़ी हो सकता है। अरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं भूल गया था, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। क्या मतलब कुछ भी मांगे चाहे? हाँ जो कुछ भी मैं मांगूंगा। गाइस यार ये तो गलत चीज है यार। हाँ, ये लगाई मैंने चम्प। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये मोटा जीतेगा या हारेगा? ओके तो गाइस यार मोटा तो यहाँ पर हार चुका है। नाइस नाइस नाइस। आई एम बैटमैन। ओए वुल्वरीन है तू? आई एम बैटमैन। मुझे वुल्वरीन नहीं बनना, मुझे अब बैटमैन बनना है। अच्छा गाइस यार यहाँ पर ये पक्का इसलिए आया है, ये इसको रैम चैलेंज को जीत के ये बैटमैन के अंदर चेंज होना चाहता होगा। आई एम बैटमैन, तुम्हें सही समझा बिल्कुल। ओए यार ये मत कर यार, प्लीज प्लीज प्लीज। देख वुल्वरीन तू बहुत अच्छा है यार, बैटमैन तेरे आगे कुछ भी नहीं है। आई एम बैटमैन, बैटमैन मुझसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए मेरे को बैटमैन बनना है। नहीं यार, यार क्यों नहीं समझ रहा, अबे तेरा बैटमैन बनना इतना जरूरी नहीं है जितना मेरे को मेरे भाई को वापस लाना जरूरी है। प्लीज भाई हार जा, बातमान मेरे आगे भीख मांगता हूँ मैं तेरे। अरे आई एम बैटमैन, मुझे बस जीतने से मतलब है, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम हो कौन आखिर? भाई यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। गाइस यार ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये हार अगर ये जीत गया तो मैं सिंचैन को वापस नहीं ला पाऊंगा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि सुमित भैया तुम ही जीतोगे और ये हारेगा वुल्वरीन। आई एम बैटमैन। ओए ये देखो भाई साहब यहाँ पर इसने इतनी लंबी जंप लगा दी कि भाई ये तो आगे आगे प्लेटफॉर्म से। आई एम बैटमैन। ओके चलो भाई अब फाइनली तुम्हारे भाई की बारी है, और मेरे को सिंपली क्या करना है, मेरे को सेंटर वाले में जाना है और मेरे को अच्छे से लैंडिंग करनी है, ना ही मेरे को ज्यादा तेज गाड़ी चलानी है ना ही मेरे को धीरे चलानी है। बेटा ये तेरी जिंदगी की गाड़ी होगी, ये तेरी जिंदगी बदल भी सकती है। हाँ मेरे को पता है, अगर आज मैं यहाँ पर हारा तो मेरी जिंदगी ऑलरेडी जो बदल चुकी है नर्क हो चुकी है, या फिर यहाँ पर मैं जीत के अपनी लाइफ को सिंपल कर सकता हूँ जैसी मेरी लाइफ थी, हैप्पी एंड खुश जब मेरा भाई मेरे साथ था सिंचैन, अब वो मेरे ऊपर, अगर मैं यहाँ पर आज हारा तो मुझसे सब कुछ छिन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि यार मेरे से कुछ भी छिने, इसलिए मैं यहाँ पर जरूर जीतूंगा, 100% जीतूंगा। ओके तो भाई सब अभी हम लोग काफी सही तरीके से जा रहे हैं। ओए ये क्या भाई, सीधी हो जाओ। क्या बचा है तुम्हारा भाई, बार बार थोड़ी सी गलती और हो जाती तो मैं सीधा नीचे जाता यार, और मैं सिंचैन हमेशा के लिए। ओ नो नो नो, मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ नहीं, नहीं नहीं सुमित तू ऐसा सोच भी नहीं सकता, तू सिंचैन को खोने का सोच भी नहीं सकता। ओके तो गाइस यार यहाँ पर अब सबसे मेन घड़ी आज की, यहाँ पर मुझे एक जंप लेनी है बिल्कुल परफेक्ट, ना ही ज्यादा तेज ना ही ज्यादा धीरे, और क्या मैं पहुंच पाऊंगा भगवान प्लीज। और ये धीरे बच गया।
पहुंच गया भाई, मैं पहुंच गया, इसका मतलब मैं सिंचन को वापस पा सकता हूँ। ओ माय गॉड, भगवान शुक्रिया तेरा, भगवान बहुत ज्यादा शुक्रिया तेरा, तूने मेरे को एक और मौका दिया मेरे भाई से मिलने का, शुक्रिया भगवान तेरा। ओरा बेटा तू जीत गया, कांग्रेचुलेशन। अरे बाबा शुक्रिया आपका बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन करने के लिए, पर बाबा जैसा आपने वादा किया था, जैसा आपने कहा था कि इस रैम चैलेंज को जो भी जीतेगा वो कुछ भी मांग सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई को वापस जिंदा कर दे, मेरे छोटे भाई सिंचन को वापस जिंदा कर दीजिए। तू टेंशन मत ले, मैंने बोला तो वो जरूर होगा, तो मैं मेरे को बस एक मंत्र पढ़ना, उसके बाद टेंशन खत्म, बस 1 2 3 4 सिंचन आ जाओ वापिस यार। ये क्या मंत्र था भाई, ये क्या बकवास मंत्र था, बाबा सिंचन कहाँ पर है, अबे बाबा स्कैम कर गए क्या मेरे साथ, बाबा हेलो बाबा। ये क्या हो रहा भाई, गाइस व्हाट द हेक, ये क्या होने लग रहा है, मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, लगता है बाबा का जो मंत्र था वो काम कर रहा है मेरे ऊपर, कुछ तो होगा, बस मैं ये चाहता हूँ एंड ऑफ द डे सिंचन मेरे पास वापस आ जाए। सिंचन अबे एक सेकंड, कुछ हुआ क्यों नहीं भाई, ये मंत्र था क्या था, बस ऐसे बस गुब्बारे उठे और गायब हो गए। ओए शायद मेरे को चलना चाहिए यहाँ से, हाँ मेरे को यहाँ से चलना चाहिए, मेरे को जाके हॉस्पिटल के अंदर देखना चाहिए कि सिंचन जिंदा है या नहीं है, हाँ ये ही होगा, जल्दी चलो यार यही गाड़ी लेके चलते हैं हम, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि सिंचन अगर जिंदा हो गया होगा जैसा कि बाबा ने बोला है यार, और प्लीज़ यार भगवान बाबा ने मुझे झूठ ना बोला हो कि बस ये कोई झूठ तो ना बोल रहे थे मुझसे, जल्दी चलो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे को कंट्रोल भी नहीं हो रहा, मेरे को जल्दी से जाके देखना है, बस जल्दी भागो। आ गए भाई, बस थोड़ा सा और, ये आ गया हॉस्पिटल। सिंचन सिंचन, अरे पागल है क्या, हॉस्पिटल के आगे इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है, अबे तू जाना यार, मैं टपोरी से तोड़ दूंगा तेरे को, मेरा भाई कहाँ पर है। अरे तुम्हारा भाई तो सचमुच में जिंदा हो गया है, कहाँ पर मेरा भाई, चलो भाई जल्दी चलते हैं। तो गाइस यार जो सिंचन है वो एक्चुअली घर जा चुका है, जो फतारे मार रहे हो घर मार रहे हैं ना कि हॉस्पिटल के अंदर, अब हम लोग चलते हैं जल्दी से वापस घर और सिंचन से मिलते हैं, और भाई साहब मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ओ भाई सिंचन वापस आ गया, चलो 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 भाई, मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ शर्मी यार, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे जैसे मैं खुश हूँ यार, क्योंकि मैं सिंचन को खो नहीं सकता ऐसे, चलिए घर पहुंचते भाई, 2 मिनट लगेगी, फुल स्पीड में भगेगा तुम्हारा भाई गाड़ी लेकर, ड्रन। ओ सिंचन, ये आ गए हम लोग वापस, ये देखो मेरी गाड़ी रही यार, जो भाई मैं लेके गया था, मतलब जो हॉस्पिटल के आगे छोड़ी थी हमने। सिंचन ओए पदोड़े कहाँ पर है तू, अबे हटना आगे से दीवार, कचरा दीवार कहीं की। ओए सिंचन, अरे क्या हो गया सुमित, क्यों चिल्ला रहे हो, आओ क्या हो गया सुमित, पागल हो गया क्या, अबे सिंचन तू ठीक तो है ना, अरे सुमित पे क्या हो गया, अबे वो भूतनी, वो चुड़ैल जो घर में घुसी थी उसने तुझे मार डाला था, आओ ये कब हुआ, अबे वो नशेड़ी, तू तो नशे करके सो गया था, पता नहीं कहाँ पड़ा था चौक के बच्चे। अरे सुमित टेंशन मतलब मैं वापस आ गया ना, बस चिल करो ऐश लो। सिंचन यार मैं बहुत डर गया था तुझे खोने से। अरे सुमित बस आ गया, मैं ये ध्यान रखूंगा किसी अनजान आदमी को घर में नहीं बढ़ाऊंगा, और अगर वो कुछ बोलेगा तो थप्पड़ बजाऊंगा तो उसके। हाँ सिंचन मैंने तेरे को बोला था, मैं तुझे झूठ क्यों बोलूंगा, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुझे बताता यार, मैं तुझसे छुपा के क्या जाता, और रही बात 24 घंटे तेरे थोबड़े के आगे तो रहता हूँ, कहाँ मेरी गर्लफ्रेंड होगी। अरे सॉरी यार सॉरी, आओ मेरे को टट्टी आ रही है, जाके करना फिर कहीं। तो गाइस यार फाइनली दिल में दिल आया, तो आज के लिए बस इतना, यही होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार भूल बैठे सब्सक्राइब कर देना, हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।